आज की वीडियो में मैं आपको सूट की कटिंग और स्टिचिंग करने का बहुत ही ज़्यादा आसान तरीका बताऊंगी। तो सूट बनाने के लिए मैंने ये 2 मीटर कपड़ा लिया है, आपको इसे खोलना है। यहाँ से हमारे कपड़े की लंबाई है और यहाँ से हमारे कपड़े की चौड़ाई है। चौड़ाई इसकी 1.5 मीटर है। आपको इसे लंबाई वाली साइड से इस तरह से चारते में फोल्ड करना है। आपको चौड़ाई वाली साइड से कपड़े को फोल्ड नहीं करना, लंबाई वाली साइड से आपको चारते में कपड़े को फोल्ड कर देना है। इस साइड से हमारी चारों बंधते हैं और इस साइड से हमारी ये 2 बंधते हैं और ये 2 भी हमारी बंधते हैं। इस साइड से हमारी चारों तें खुली हुई हैं कपड़े की और इस साइड से भी हमारी चारों तें खुली हुई हैं कपड़े की। मैं आपको बताती हूँ यहाँ से मैंने कितने कपड़े को फोल्ड करा है। तो हिप है हमारे 40, तो 40 का चौथा हिस्सा हो गया 10 और 10 के अंदर मैंने 2 इंच का मार्जिन लिया है सिलाई के लिए। तो मैंने 12 इंच कपड़े को नाप के और चारते में मैंने इसे फोल्ड कर दिया है। फिर आपको इसकी लंबाई के निशान लगाने हैं। तो लंबाई में आपको 2 इंच का मार्जिन लेना है। जैसे कि मुझे इसकी तैयार लंबाई चाहिए 37 इंच की, तो मैं इसके अंदर 2 इंच का मार्जिन लूँगी तो हो गया 39 इंच। तो मैं यहाँ पर 39 इंच पर निशान लगाऊँगी और फिर इस निशान को मैं सीधा कर दूंगी। आपको यहाँ पे आना है ऊपर और यहाँ पे आपको शोल्डर के निशान लगाने हैं। तो शोल्डर जो आपको इसका रखना है वो आपको 6.5 इंच का रखना है। तो 6.5 इंच पे आपको निशान लगाना है। फिर इस निशान की सिदाई में इंची टेप को रखना है। आर्म होल के लिए आपको 6.5 इंच तक सीधा निशान लगा देना है। इस निशान को मैं 2 इंच तक सीधा कर दूंगी। फिर यहाँ पे आपको चेस्ट के निशान लगाने हैं। तो चेस्ट है हमारी 36 का आपको चौथा हिस्सा निकालना है। तो हम पहले इंची टेप से इस तरह से 36 इंच नापेंगे, ठीक है। फिर हम देखेंगे इसका हाफ कितना आता है। तो 36 का हाफ आया है 18 इंच। फिर हम 18 का हाफ करेंगे। इसी तरीके से हम इंची टेप को फोल्ड करेंगे यहाँ से और देखेंगे 18 का हाफ कितना आता है। तो 18 का जो हाफ आया है वो आया है 9 इंच। अगर आपको चौथा हिस्सा निकालने में दिक्कत होती है चेस्ट का, तो आप इंची टेप की मदद से इस तरह से निकाल सकते हो चौथा हिस्सा। तो चेस्ट है हमारी 36, तो मैं यहाँ पे 9 इंच पे निशान लगाऊंगी और 2 इंच का मैं मार्जिन लूँगी सिलाई के लिए। फिर आर्म होल वाले निशान पे हम इंची टेप को रखेंगे और यहाँ से 6.5 इंच की दूरी पे हम निशान लगाएंगे। फिर 6.5 इंच वाले निशान की सिदाई में इंची टेप को रखेंगे और यहाँ पर हम कमर के निशान लगाएंगे। कमर है हमारी 34 का अगर हम चौथा हिस्सा निकालेंगे तो हो गया 8.5 इंच। तो मैं यहाँ पर 8.5 इंच पर निशान लगाऊँगी और 2 इंच का मैं मार्जिन लूँगी सिलाई के लिए। आप चाहें तो 1 इंच का या 1.5 इंच का भी मार्जिन ले सकते हैं। फिर कमर वाले निशान पे इंची टेप को रखेंगे और फिर दोबारा 6.5 इंच पे निशान लगाएंगे। यहाँ पे हम हिप के निशान लगाएंगे। हिप है हमारे 40, 40 का चौथा हिस्सा हो गया 10 और 2 इंच का मैं इसके अंदर मार्जिन लूँगी सिलाई के लिए। फिर इन निशानों को आपको आपस में मिला देना है। आपको इसकी आर्म होल की गोलाई करनी है। तो आपको इंची टेप की मदद से 1.25 इंच पे निशान लगाना है और इस तरह से गोलाई करनी है। ये जो मार्जिन वाला निशान है यहाँ आपको इस निशान को मिला देना है। फिर इन निशानों को आपको नीचे मिला देना है। यहाँ मैं आपको नाप के दिखाती हूँ। ये हमारी तैयार लंबाई है और नीचे का जो है वो हमारा मार्जिन है। आपको फिर इन निशानों पे इसकी कटिंग कर देनी है। हमारे सूट की कटिंग जो है वो हो चुकी है। फिर ये दोनों हमारे जो पार्ट है सूट के, इनके शोल्डर आपस में अटैच है, इन्हें हम कैची की मदद से काट के अलग कर देंगे। तो ये जो है हमारे 2 पार्ट हो जाएंगे सूट के। फिर इनके अंदर से हम 1 पार्ट निकाल के अलग रख देंगे और 1 पार्ट को हम डबल में फोल्ड कर देंगे। ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट रहेगा। तो इसके हम आर्म होल की गोलाई करेंगे। तो हम गोलाई करने के लिए इस तरह से निशान लगाएंगे, ऊपर से शोल्डर बिल्कुल बराबर रखेंगे और यहाँ से हम 1/2 इंच अंदर की तरफ को निशान लगाएंगे और ये जो मार्जिन वाला निशान है हम मिला देंगे। फिर कटिंग कर देंगे हम इस निशान पर इसकी। आपको बचे हुए कपड़े को लेना है और उसे आपको डबल में फोल्ड करना है। मैं आपको बताती हूँ आपको कितने कपड़े को डबल में फोल्ड करना है। जैसे कि हमने सूट की कटिंग करी थी तो हमने चेस्ट का चौथा हिस्सा लिया था 9 इंच। तो यहाँ पे हम 1/2 इंच का मार्जिन प्लस करते हुए कपड़े को डबल में फोल्ड करेंगे। तो मैंने 9.5 इंच कपड़े को डबल में फोल्ड करा है और इसे मैं काट के अलग निकाल लूँगी। इसके अंदर से हम
बाजू बनाएंगे अपने सूट की, तो पहले हम इसे काट के बिल्कुल इकसार कर लेंगे। तो ये हमारा 9.5 इंच कपड़ा है और ये हमारा डबल में फोल्ड है। हमारा ये कपड़ा जो है कट हो चुका है, इसके अंदर से हमारी दोनों बाजू निकल जाएंगी सूट की। आपको इसे इस तरह से फोल्ड कर देना है कपड़े को, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये हमारी दो बंधते हैं और नीचे वाले भी हमारी दोनों बंधते हैं। इस साइड में आपको यहाँ पे 2.5 इंच पे निशान लगाना है और नीचे आपको 3 इंच पे निशान लगाना है। 3 इंच वाले निशान को आपको 2.5 इंच वाले निशान से मिला देना है गोलाई देते हुए। फिर मैं आपको इसकी लंबाई के बारे में बताती हूँ। मैंने जो इसकी लंबाई रखी है वो मैंने 16.5 इंच की रखी है, और जो मुझे तैयार लंबाई चाहिए वो मुझे 15 इंच की चाहिए। तो मैंने इसके अंदर 1.5 इंच का मार्जिन लिया है सिलाई के लिए। 1/2 इंच तो हमारा शोल्डर अटैच करने में कपड़ा चला जाएगा और 1 इंच हमारा मोहरी फोल्ड करने में कपड़ा चला जाएगा। आप भी इसके अंदर 1.5 इंच का मार्जिन लें। और जो मुझे इसकी यहाँ से तैयार मोहरी चाहिए वो 5.5 इंच की चाहिए। मैंने 5.5 इंच पे निशान लगाया है और 2 इंच का मैंने सिलाई के लिए मार्जिन लिया है। फिर इस निशान को मैं इस तरह से मिला दूंगी तिरछा करके। फिर मैं आपको मार्जिन वाले निशान को भी सीधा करके दिखाती हूँ। ये हमारे मार्जिन का निशान है, हमारे निशान लग चुके हैं बाजू के। फिर कटिंग कर देनी है आपको इन निशानों पे इसकी। हमारी बाजू की जो है कटिंग हो चुकी है। फिर आपको बीचा बीच में इनके अंदर कट लगा देना है। फिर आपको इनकी गोलाई करनी है। तो गोलाई करने के लिए आपको इन बाजू वाले कपड़े को इस तरीके से रखना है दोनों को, कि दोनों की सीधी साइड एक तरफ को आए। ये देखिए, मेरे दोनों कपड़ों की सीधी साइड एक तरफ को आ रही है। मैं इस तरह से रख दूंगी। हमने 2 इंच का मार्जिन लिया था, तो मैं नीचे 2 इंच पर निशान लगाऊंगी और ऊपर भी 2 इंच पर निशान लगाऊंगी। फिर 1/2 इंच अंदर की तरफ को निशान लगाऊंगी और इस निशान पर मैं मिला दूंगी इस निशान को। फिर इस निशान पर हम कटिंग कर देंगे और इसके अंदर हम बीचा बीच में कट लगा देंगे ताकि हमें बाजू की गोलाई वाले हिस्से की पता चल सके। फिर आपको उसके गले की कटिंग करनी है। तो मैं जो उसके गले की चौड़ाई रखूंगी वो मैं 2.5 इंच रखूंगी, और लंबाई आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। पर मैं जो उसके गले की लंबाई रख रही हूँ वो मैं 6 इंच रख रही हूँ। मैंने 6 इंच पर निशान लगाया है और मैं यहाँ पर एक चौकोर बॉक्स बना दूंगी 6 इंच लंबा और 2.5 इंच चौड़ा। फिर आपको कोने पे इंची टेप को रखना है, 1/2 इंच पे निशान लगाना है और 1/2 इंच लेके आपको उसके गले की गोलाई कर देनी है। फिर इस निशान पे कटिंग कर देनी है। तो हमारे जो है फ्रंट वाले गले की जो है कटिंग हो चुकी है, मैं आपको दिखाती हूँ। सेम इसी तरह से आपको बैक वाले गले की भी कटिंग करनी है। तो जो बैक वाले गले की हम चौड़ाई रखेंगे सेम ही रखेंगे, 2.5 इंच रखेंगे हम। तो मैं यहाँ पर 2.5 इंच पर निशान लगाऊंगी और मैं जो उसकी लंबाई रखूँगी वो मैं 3 इंच रख रही हूँ। आपको 2.5 इंच चौड़ा और 3 इंच लंबा एक चौकोर बॉक्स बना देना है। फिर यहाँ पे कोने पे 1/2 इंच लेके इसके गले की गोलाई कर देनी है। आप इन दोनों गलों की लंबाई अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, चौड़ाई आपको 2.5 इंच ही रखनी है। तो हमारे जो है बैक वाले गले की भी जो है कटिंग हो चुकी है। फिर इसके गले पर लगाने के लिए मैंने ये पट्टी कट करी है और ये हमारी सीधी पट्टी है। मैं आपको नाप के दिखाती हूँ। जो इस पट्टी की लंबाई है वो 25 इंच है। आप गले के हिसाब से कम ज़्यादा लंबाई कर सकते हैं और जो चौड़ाई है वो 2 इंच है। आपको सूट को लेना है और सूट के गले पे इस पट्टी को इस तरह से डबल में फोल्ड करके रखना है और इसके अंदर आपको एक पैर का गेप लेते हुए सिलाई लगा देनी है। आप चाहें तो तिरछी पट्टी भी लगा सकते हैं, नहीं तो सीधी पट्टी के साथ भी हमारा गला बड़ी ही फिनिशिंग के साथ बन के तैयार होगा। तो हमारी ये पट्टी जो है इस गले के ऊपर लग चुकी है। एक्स्ट्रा पट्टी मैं कट कर दूँगी और इसके अंदर मैं कट लगा दूँगी। कट लगाने से ये पीछे की तरफ को बड़ी ही आसानी से फोल्ड हो जाएगी पट्टी हमारी। फिर आपको इसे पीछे की तरफ को पलट देना है और इसके अंदर आपको एक पैर का गेप लेते हुए सिलाई लगा देनी है। अगर आप इसके गले पे तुरफाई करना चाहते हैं तो आप कच्ची सिलाई लगाएं, और अगर आप तुरफाई नहीं करना चाहते तो आप पक्की सिलाई लगाएँ। तो हमारी सिलाई जो है लग चुकी है इसके गले के अंदर और हमारा गला जो है देखिए फ्रंट वाला बनके बिल्कुल तैयार हो चुका है। सेम इसी तरह से मैंने इसका बैक वाला गला भी बना के तैयार करा है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, इसके गले पे भी मैंने पट्टी लगा दी है और पूरा बना के तैयार कर लिया है। मैं आपको पीछे से भी दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमारा गला बन के तैयार हुआ है।
फिर आपको इन दोनों को इस तरह से मिला के रखना है, दोनों की सीधी साइड एक तरफ को आए और इनके जो शोल्डर हैं दोनों के वो आपको आपस में अटैच कर देने हैं। इस तरह से दोनों शोल्डर मिला के रखने हैं दोनों पार्टों के, और इसके अंदर आपको सीधी सिलाई लगा देनी है। मैं एक बार और इसके अंदर सिलाई लगाऊंगी ताकि हमारे शोल्डर जो हैं अच्छे से इसके अंदर अटैच हो जाएं। फिर इसी तरह से आपको जो दूसरे वाले दोनों शोल्डर हैं उन्हें भी आपको अटैच करना है। तो हमारे जो हैं दोनों शोल्डर अटैच हो चुके हैं आपस में। फिर आपको इसके अंदर बाजू अटैच करनी है, तो आपको बाजू को लेना है। ये बाजू का बीच वाला कट है और ये गोलाई वाला कट है। जो गोलाई वाला कट है वो आपका फ्रंट वाले गले की तरफ को आना चाहिए। आपको जो है बीच वाला कट जो है वो आपको शोल्डर की सिलाई के ऊपर रखना है, और जो गोलाई वाला कट है आपका वो आपका फ्रंट वाले गले की तरफ को आएगा। ये देखिए मैं दिखाती हूँ, ये हमारा गोलाई वाला कट है, ये हमारे आगे वाले गले की तरफ को आएगा। शोल्डर से हम इसके अंदर सिलाई लगानी स्टार्ट करेंगे। तो पहले हम एक साइड के अंदर सिलाई लगाएंगे, तो एक साइड के आर्म होल में बाजू हमारी अटैच हो चुकी है। फिर दोबारा हम शोल्डर वाली सिलाई पे आएंगे और यहीं से हम इसके अंदर दूसरी वाली साइड में भी बाजू लगा देंगे आर्म होल के अंदर। तो हमारी दूसरे आर्म होल के अंदर भी बाजू लग चुकी है। फिर आपको इसकी जो मोहरी है वो फोल्ड कर देनी है। तो मैं यहाँ पे एक इंच कपड़ा फोल्ड कर दूंगी और इसके अंदर जो है मैं सिलाई लगा दूंगी। तो हमारी जो मोहरी है वो फोल्ड हो चुकी है। एक साइड में देखिए हमारी बाजू लग चुकी है और मोहरी भी फोल्ड हो चुकी है। सेम इसी तरह से मैंने इसके दूसरे वाले आर्म होल के अंदर भी बाजू लगा दी है और मोहरी जो है वो फोल्ड कर दी है। तो हमारी दोनों आर्म होल के अंदर जो है बाजू अटैच हो चुकी है। उसके बाद में आपको उसकी फिटिंग के निशान लगाने हैं। तो फिटिंग के निशान लगाने के लिए आपको इसे उल्टा करना है। तो हमने जो इसकी मोहरी रखी थी तैयार, वो हमने 5.5 इंच की रखी थी, तो मैं यहाँ पे 5.5 इंच पे निशान लगाऊंगी। और मैंने कटिंग के वक्त जो मार्जिन लिया था वो मैंने 2 इंच का मार्जिन लिया था इसके अंदर, तो मैं वो 2 इंच का मार्जिन निकाल दूंगी। अगर आपने 1 इंच का या 1.5 इंच का मार्जिन लिया है तो आप वो निकाल दें इसके अंदर से, और इन निशानों को मैं आपस में मिला दूंगी। फिर जो आर्म होल की सिलाई है, दोनों पार्टों की सिलाई को आपको बिल्कुल मिला के पकड़ना है। देखिए इस तरह से बराबर आनी चाहिए और इसे आपको इस तरह से रखना है। फिर इसके जो आर्म होल की सिलाई है इस पर आपको इंचू टेप को रखना है और आपको लंबाई में 12.5 इंच पे निशान लगाना है। फिर 12.5 इंच वाले निशान पे इंचू टेप को रखना है और यहाँ पर आपको मार्जिन निकाल देना है। तो मैं 2 इंच का मार्जिन निकाल दूंगी और यहाँ पर पूरे में मैं इसी तरह से निशान लगाऊंगी। हमारे 12.5 इंच वाले निशान जो है इससे नीचे हम निशान नहीं लगाएंगे। फिर इन निशानों को हम आपस में मिला देंगे। तो हमारे जो है एक साइड के फिटिंग के निशान लग चुके हैं। सेम इसी तरह से आपको दूसरी वाली साइड में भी फिटिंग के निशान लगाने हैं। तो मैंने दूसरी वाली साइड के अंदर भी फिटिंग के निशान जो है लगा दिए हैं इसके अंदर। फिर इन निशानों पर आपको इसके अंदर सिलाई लगा देनी है। ये हमारा 12.5 इंच वाला निशान आ चुका है। इस निशान से नीचे हम सिलाई नहीं लाएंगे, 2-3 बार यहीं पे सिलाई को लगाते हुए सिलाई को निकाल देंगे। सेम इसी तरह से आपको दूसरी वाली साइड के अंदर भी सिलाई लगानी है। जो 12.5 इंच वाला निशान है आर्म होल से, उससे नीचे आपको सिलाई नहीं लेके जानी। तो हमारी दोनों साइडों में फिटिंग की जो सिलाई है वो लग चुकी है। फिर आपको इसके चाक फोल्ड करने हैं। तो आपको 2 इंच कपड़ा इस तरह से फोल्ड कर देना है और सिलाई लगा देनी है। तो हमारे चाक जो है काफ़ी फिनिशिंग के साथ फोल्ड हो जाएंगे और हम जो है एक बार में ही दोनों साइडों के जो चाक हैं वो फोल्ड करेंगे। देखिए हमारी सिलाई यहाँ तक आ चुकी है। यहाँ से मैं दूसरी वाली साइड के जो चाक हैं वहाँ सिलाई लेके जाऊँगी। तो हम इस तरह से सीधी सिलाई लेके आएंगे, दूसरी वाली साइड के चाक फोल्ड कर देंगे और सिलाई को हम यहाँ से सीधा नीचे तक ले आएंगे। तो हमारे चाक जो हैं एक बार में ही दोनों साइड के फोल्ड हो जाएंगे। तो हमारे चाक जो हैं फोल्ड हो चुके हैं एक साइड के। फिर दूसरी वाली साइड के भी चाक हम इसी तरह से फोल्ड करेंगे। अगर आपको दिक्कत होती है चाक फोल्ड करने में तो आप पहले परेस की मदद से इन्हें अच्छे से फोल्ड कर लें, उसके बाद में आप सिलाई लगाएँ तो भी आपके बड़े ही आसानी से चाक फोल्ड हो जाएंगे।
हमारे दोनों साइड के चाक जो है वो फोल्ड हो चुके हैं। फिर आपको उसका घेरा फोल्ड करना है। तो हमने जो उसकी लंबाई में मार्जिन लिया था वो हमने 2 इंच का लिया था, तो 1/2 इंच का मार्जिन हमारा शोल्डर अटैच करने में चला गया, तो बचा 1.5 इंच। तो मैं यहाँ पे 1.5 इंच पे निशान लगाऊंगी, और ये निशान जो है मैं सीधी तरफ को लगा रही हूँ ताकि जब हम इसे फोल्ड करें तो हमें ये निशान दिखे, पता चल सके कि हमें कितने कपड़े को फोल्ड करना है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए ये हमारा निशान है। यहाँ से मैं इतने कपड़े को फोल्ड कर दूंगी और इसके ऊपर मैं सिलाई लगा दूंगी। ये मेरा 1.5 इंच कपड़ा है। हमारा एक साइड का जो घेरा है वो फोल्ड हो चुका है। सेम इसी तरीके से आपको इसकी दूसरी वाली साइड का जो घेरा है उसे भी फोल्ड कर देना है। 1.5 इंच कपड़े को मैं यहाँ पे फोल्ड कर दूंगी और सीधी सिलाई लगा दूंगी। अगर आपने लंबाई में 2 इंच का या 2.5 इंच का मार्जिन लिया है तो आप उतने ही कपड़े को फोल्ड करें। तो हमारा जो इस साइड का भी घेरा फोल्ड हो चुका है और हमारा सूट जो है कितनी आसानी के साथ देके सिल के तैयार हो चुका है। अगर आपको अब भी कोई भी दिक्कत है सूट की कटिंग और स्टिचिंग करने में तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं और भी ज़्यादा अच्छे से आपको कमेंट में समझाने की कोशिश करूँगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।